अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है, मैं अपनी वीडियोस के अंदर ओवरसीज जॉब के बारे में बताता रहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर आप ओवरसीज आके काम करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो, आपको कोई परेशानी ना हो। इसी सिलसिले में आज मैं एक स्टील फोरमैन है, जहूर इलाही साहब, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, तो इनसे मैं बात करता हूँ और इनसे इनकी एक्सपर्टीज के बारे में पूछता हूँ। जहूर साहब, कैसे हैं आप, कब से आए हुए हैं यूएई के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2003 से 2007 तक यहाँ यूएई पहले रह गया हूँ। अच्छा। फिर मैंने 12-13 साल सऊदी में काम किया है जी। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा जनाब माशाल्लाह 6 माह हो गए हैं मुझे इधर, मैं दोबारा यूएई में। अच्छा, जहूर साहब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि ये काम कैसे सीखा, कहाँ से सीखा और कहाँ कहाँ पे काम कर चुके हैं आप ये? सर, ये काम जो है ना स्टील के बारे में, ये मैंने पाकिस्तान से शुरू किया। अच्छा। 92-93 से। सही है। तो 2007 का जो है वो 2003 में यूएई। अच्छा। फिर 2007 से यूएई से वापस, फिर 2008 में सऊदीया। सही। सऊदीया से 2021 में फिर वापस। सही है। और अभी माशाल्लाह 6 माह हुए मुझे दोबारा यूएई में इंटर हुए। अच्छा अच्छा, ये अपने काम की नौइयत के बारे में बताएं कि ये क्या होता है, आप इसमें क्या करते, क्या स्टील का क्या मतलब ये प्रोसीजर होता है आपका सारा? ये जनाब बिल्डिंग कोई भी आप शुरू करते हैं या कोई हैवी प्रोजेक्ट जो होता है, उसमें स्टील जो है ना उसका काम जो है वो हर जगह पे होता है जी। सही। स्टील के बारे में कोई भी काम, यानी राफ्ट से शुरू होकर फिर कालम आते हैं, बीम आते हैं, टाई बीम आते हैं, प्लेंथ बीम आते हैं, तो उनके बारे में डाउन बीम होते हैं, स्लैब होते हैं, स्लैब का काम होता है, कॉलम का काम होता है, ये काम होता है स्टील। अच्छा अच्छा, उसके अंदर जो जितना भी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सारा आप बनाते हैं उसके अंदर? जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसका शेड्यूल तरतीब करते हैं, शेड्यूल करके फिर एज पर ड्राइंग हम लोग जो है वो उसको फिक्सिंग भी करते हैं साथ। सही है। तो आपका जो काम का जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो गल्फ के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर भी है? जी, सबसे ज्यादा जो है ना वो गल्फ है। गल्फ के अंदर पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ये काम कैसा है, अगर कोई नया बंदा को काम सीखना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, किस तरह का काम है ये, आसान है, मुश्किल है, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? अभी तो माशाल्लाह टेक्निकल स्कूल भी बने हुए हैं जी, टेक्निकल सेंटर भी इंस्टीट्यूट में जो है ना वो बने हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर। सही है। भी आप सीख सकते हैं और इधर तो जो है वो माशाल्लाह जो है वो स्कूल है जी। सही। बहुत जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त काम है अगर इसमें आप जो है वो एक्सपर्ट हो जाए। आप इंजॉय करते हैं ये काम करते जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, एक और बात बताएंगे कि सैलरी कितनी है आपकी, नॉर्मल है, एवरेज है या लो है या बहुत हाई है, क्या आप कहेंगे आप? नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सैलरी जो है वो आप जो है ना वो जितनी डिमांड करें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी है लोगों की। सही है, मतलब अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये नए लोग जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से इस काम के अंदर आना चाहते हैं, वो ये काम सीखना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे, किसी स्कूल में जाएं, किसी उस्ताद को पकड़ें, किस तरह से ये काम सीख सकते हैं? इसका सबसे बेस्ट काम सीखने का तरीका ये है कि आप कोई भी उस्ताद जो है ना वो पकड़ लें जो इन द फील्ड काम कर रहा हो। अच्छा, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? बड़े प्रोजेक्ट नहीं है ये, छोटे आपके पाकिस्तान में, इंडिया में, बंगला में घर बनते हैं, कोठियां बनती हैं, जो आप उसको अरबी में विला भी कहते हैं। सही है। तो उसके ऊपर जो है ना वो 12 मिले का, 16 मिले का, 20 मिले का स्टील जो है वो यूज होता है। सही। तो आप अगर प्रोजेक्टों पे चले जाए तो वहाँ पे आपको 25 मिले, 32 मिले, 40 मिले का स्टील मिलता है। सही है। तो वो जो रिंगों में इस्तेमाल होता है और बीमों में, कालमों में, ठीक है ना जी, तो रिंग के लिए जो है वो 10 मिले का, 12 मिले का स्टील आप यूज करके वो रिंगों में यूज कर सकते हैं। सही। तो ये आपको वहाँ पे ज्यादा इन द फील्ड आपको तजर्बा जो है ना, एक्सपीरियंस वो ज्यादा मिलता है। सही है। तो आप एंजॉय करते हैं अपने काम को और लोगों को भी कहेंगे कि इस काम के अंदर आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी भाई जो है वो इसको एज ए प्रोफेशनल जो है ना वो जॉब करना चाहे तो माशाल्लाह कर सकता है जी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर इसको जो है वो दिल से अगर इस काम को आप सीने से लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप जोर के साथ काम करें। कितनी क्वालिफिकेशन इसके लिए, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर दी, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए इस काम को सीखने के लिए? ज्यादा से ज्यादा मिडिल पास लड़के भी हैं वो भी जो है ना वो इसको एज ए
प्रोफेशन काम कर सकते हैं। मकसद अगर मिडिल या मैट्रिक आप हैं तो ये काम आप ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मीटर के बारे में और ड्राइंग के बारे में। अच्छा, तो जब आप ड्राइंग पढ़ सकते हैं और ड्राइंग समझ सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मिडिल तालीम भी है ना, इंशाल्लाह जो है वो कारगर साबित होगी। सही है, तो ड्राइंग वगैरह में अगर आपको वो समझ ना आ रही हो तो आपके जो इंजीनियर हैं वो हेल्प करते हैं इस काम में? जी बिल्कुल, अगर फोरमैन कहीं भी फोरमैन को प्रॉब्लम है इसमें ड्राइंग में कोई गलती भी आ सकती है, सही है, तो आप वो अपने इंजीनियर से जो है ना, वो आपके पास इंजीनियर होता है, इंजीनियर इसी काम के लिए होता है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप इंजीनियर के साथ जो है वो कर सकते हैं। चलें जी, जोर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का।